Hi everyone, I am Amrita Bhart and I am back with my new video. Uh, I teach you modern history and हम modern history के कुछ lectures में आज 1933 cover up कर रहे हैं तो हम देखेंगे हमारा आज का topic है which is communal award and Punja Pact. हमने uh, last lecture में cover up किया था कैसे round table second round table conference जो थी वो बहुत ही unsuccessful हो गई थी और कैसे उसकी वजह से जेल में ही कितने ब्रूटल अटैक्स हुए जिसकी वजह से गांधी को 1934 में ही अपना जो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट था उसको विड्रॉ करना पड़ा तो अब इसमें क्या होता है हम ये पढ़ते हैं सिक्सटीन uh, अगस्त 1932 थर्टी यहाँ पे मैकडोनल्ड जो थे ही वॉज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्होंने uh, बोला कि हम कम्युनल अवार्ड निकालेंगे ये वो ट्रॉफ़ी वाला अवार्ड नहीं है अवार्ड दो तरीके के होते हैं एक तो जो ट्रॉफ़ी आपको जीतने या किसी खेल में मिलती है ये दूसरा अवार्ड था जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरे के वेलफेयर के लिए हो ये उस टाइप का अवार्ड था और ये किस चीज़ के लिए था 1919 अगर आपको मेरा एक्ट याद हो 1919 जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरे पुराने लेक्चर्स देखिए और 1919 का एक्ट पढ़िए जिसमें हमको क्या मिला था यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रेट किन किन को मिली थी यहाँ पे मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियन इनको सेपरेट इलेक्ट्रेट करने की पार थी सेपरेटली इलेक्ट करने की एक दूसरे को पार थी जैसे कि मुस्लिम के लोग सिर्फ मुस्लिम को ही वोट करेंगे सिख के सिर्फ सिख को ही क्रिश्चियन के सिर्फ क्रिश्चियन को ही इन्होंने वो जो इलेक्ट्रेट्स थे वो जो सेपरेट uh, इलेक्ट्रेट्स थे उनको किस हद हाँ तक एक्सटेंड कर दिया उन माइनॉरिटीज़ को डिप्रेस क्लास तक यानी कि आज के जो Uh, जिनको हम शेड्यूल कास्ट या फिर पॉपुलरली नोन उन्होंने दलित्स भी बोलते हैं इन्होंने बोल दिया कि इनको भी हम सेपरेट इलेक्ट्रेट देंगे सो विच वॉज यहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन था फर्स्टली गांधी जो उस टाइम पे जेल पे थे ही वॉज नॉट हैप्पी विथ दिस सेपरेट इलेक्ट्रेट क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रेट वैसे भी हम देख रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने वैसे भी डिवाइड कर दिया है जहाँ एटीन में हम वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखते हैं आते आते जहाँ जितना भी कांग्रेस के पार्ट होते थे वो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की मांग करते करते और मांग पूरी होते होते हम आफ्टर स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907 में हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी भी ब्रेक हो गई सो अब गिविंग सेपरेट इलेक्ट्रेट्स टू अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो और इनको तोड़ता है और सोसाइटी को और फ्रिगमेंट करता है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की और अच्छे से होती है एंड गांधी वॉज नॉट हैप्पी विद इट क्योंकि उनको क्लियरली लगा कि इंडिया की जो यूनिटी है आप उसको और अटैक्ट कर रहे हैं और लोअर सेक्शन इनर डीपली सोसाइटी में जाके अब आप अटैक कर रहे हैं और जेल में ही उन्होंने बोला कि आई विल फास्ट अन् टू अब मैं जा रहा हूँ फास्टिंग में मैं कुछ नहीं खाऊंगा और मैं मर जाऊंगा बट मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक ये जो आप सेपरेट इलेक्ट्रेट जो दे रहे हैं डिपरेट क्लास को आप ये देना बंद कर दीजिए ये नहीं होना चाहिए आप अपने कम्युनल अवार्ड को वापस ले लीजिए मुस्लिम्स ऑन द अदर साइड अगेन नॉट हैप्पी उन्होंने तो एक्सेप्ट तो कर लिया था कम्युनल अवार्ड बट दे वर नॉट हैप्पी वाई दे वर नॉट हैप्पी क्योंकि पंजाब और बंगाल जैसे इलाकों में मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे और इन डिप्रेस क्लास को भी अगर सेपरेट सिलेक्ट्रेट मिल जाता तो इनमें भी जो निजी वर्ग के लोग हैं वो और डिवाइडेड हो जाते और डिवाइडेड होते तो फिर ये फिर से माइनॉरिटी में चले जाते क्योंकि जब दिव... चार लोग में अगर खाना बट रहा है और वही चार लोगों जितना खाना अगर आठ लोगों में बटने लग जाए तो हर किसी के हिस्से कम कम आएगा ना खाना तो वैसे ही उस टाइम पे इन ये माइनॉरिटी में चले जाते बट स्टिल दे एक्सेप्टेड इट और इसी से रिलेटेड एक अलाबाद यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुआ और यहाँ पे बोला कि जो सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड है इसको रिप्लेस करके आप जॉइंट इलेक्ट्रेट कर दीजिए क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा फ्यूचर इंडिया के लिए और वह वहीं से हम देखते हैं पूना पैक्ट ये पैक्ट पूना में हुआ था इस वजह से इसका नाम पूना पैक्ट के इसमें कौन लीडर्स थे बी आर अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालविया बी आर अम्बेडकर क्यों ही वॉज़ अगेन अ दलित एंड इन्होंने काफ़ी समय से क्योंकि अब जितने भी सेपरेट इलेक्ट्रेट मिल रहे थे ये मुस्लिम सिख क्रिश्चन और इन्हीं के लिए बातें हो रही थी जब भी अगर कॉन्फ्रेंस हो गया या फिर कोई मीटिंग होगी तो बात हमेशा मुस्लिम क्रिश्चन इन्हीं तक की होती थी और बहुत टाइम से ये फाइट कर रहे थे कि हम दलित के लिए भी हम शेड्यूल क्लास्ट पीपल के लिए भी आप कुछ करिए हमको भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए हमको भी प्रोविंस में शामिल करिए और यहाँ पे रैम से मैकडोनल्ड ने इनका पूरा नाम है रैम से क्वेश्चन पूछा भी गया है किसने ये कर्मिनल पैक्ट किया तो आप लोग मार्क कर अगर ये क्वेश्चन फिर से आता है ऐसे कुछ रिलेटेड तो आप लोग को याद रहे तो ऐसी चीज़ें आप नोट कर लीजिए जब आप नोट्स बनाते हैं मेरी वीडियो पॉज करके ऐसी चीज़ आप हाईलाइटर से मार्क करिए क्योंकि जब आपका रिवीजन टाइम आएगा तो आपको ऐसी चीज़ें एम सी के लिए याद रहें सो पुणे पाक्ष हुआ और इन्होंने अंबेडकर जो डिमांड कर रहे थे टाइम से कमनल अवार्ड में इनकी ऐसी डिमांड्स पूरी हो गई और मदन मोहन मालवीय जो किसके लीडर थे ये हिंदू महासभा के ये लोग आए बैठे और उन्होंने बोला कि देखिए हमारे इतने बड़े लीडर गांधी जैसे लीडर ने बिल्कुल फास्टिंग अन टू डेथ कर ली और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ चेंजेस ना करें आप थोड़े तो चेंजेस करिए इस इतना भी डिप डिप्रे, आप डिप्रेस क्लास को देना चाहते हैं हम समझ रहे हैं बट इतनी भी आ, उस तरीके से सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मत करिए क्योंकि अगर आप सेपरेट इलेक्ट्रेट्स करेंगे तो हम फिर से फ्रेगमेंट हो जाएंगे हम फिर से डिवाइडेड हो जाएंगे तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन थी जो इस एक्ट में इस पैक्ट में आई है तो हम हाई देख लेते हैं हाईलाइट्स क्या क्या हैं पैक्ट के इनको रिज़र्व सीट्स मिली प्रोवेंशल लेजिस्लेचर में रिज़र्व सीट्स पहले भी माइनॉरिटीज़ को मिल चुकी हैं मुस्लिम में हम देखते हैं इनको रिज़र्व सीट्स मिली हैं वैसे ही क्रिश्चियन सिख और वैसे ही इनको भी रिजर्व सीट्स मिली मद्रास में तीस बॉम्बे एंड सिंध में ट्वेंटी फाइव पंजाब में आठ बिहार एंड उड़ीसा में आठ और ऐसे मिलाकर इनको वन फोर्टी एट सीट्स वन फोटी एट सीट्स इनकी कंप्लीट टोटल रिजर्व सीट्स हो गई और साथ ही साथ इस पैक्ट का हम पॉजिटिव साइड क्या देखते हैं कि जॉइंट इलेक्ट्रेट जो सेपरेट इलेक्ट्रेट बार बार बोल रहे थे कि इनको भी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स देंगे कम्युनल अवार्ड जिस चीज़ में चल रहा था वो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की डिमांड खत्म हो गई अंबेडकर अग्री कर गए और जॉइंट इलेक्ट्रेट्स हो गया अब हम बार बार पढ़ रहे हैं सेपरेट इलेक्ट्रेट जॉइंट इलेक्ट्रेट में डिफरेंस क्या है सेपरेट इलेक्ट्रेट्स कैसे होता था फॉर सपोज आप मान लीजिए ये पाँच मुस्लिम्स हैं और ये पाँच हिंदू हैं और जगह एक ही है फॉर एग्जाम्पल पंजाब ठीक है तो हम यहाँ पंजाब में कितने मुस्लिम्स देख रहे हैं चार और हम मुस्ल आ, कितने हिंदू देख रहे हैं चार और मुस्लिम्स कितने देख रहे हैं पाँच तो अब मेजोरिटी में कौन हुआ मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हुए तो इन्हीं के लोगों में से आएंगे जो इलेक्शन के लिए लड़ेंगे इन्हीं के लोगों में से क्योंकि ये एक रीजन के मेजोरिटी में है और ये जो लड़ेंगे ये जो इलेक्शंस uh, में पार्ट लेंगे इन्हीं में से कोई इलेक्ट होकर इन्हीं के लोग इनको इलेक्ट कर मतलब इनको कोई राइट right नहीं होगा इन्हीं के लोग इलेक्ट होकर इनको बिठा देंगे लेजिस्लेचर में बट ये तो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की बात है अब जॉइंट में क्या हो गया जब यो डिफरेंस नहीं रहेगा सबको एक ही मानेंगे कोई इनमें डिफरेंस नहीं रहेगा तो ये दोनों मिलकर एक एक अपनी जगह कोई एक हिंदू आ जाएगा एक मुस्लिम आ जाएगा एक रीजन से कोई भी आ सकता है वो कम्यूनल डिफरेंस नहीं रहेगा और इन्हीं में से कोई भी इनको चूज कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम का इलेक्ट हो रखा है तो मुस्लिम ही लोग इलेक्ट करेंगे या फिर कोई हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रखा है तो हिंदू के ही लोग उसे इलेक्ट कर सकते हैं वैसे ही इससे क्या क्रिश्चियन अब कोई भी इलेक्ट कर सकता है विच इज़ ज्वाइंट इलेक्ट्रेट अब गांधी भी जेल से छूट गए क्योंकि जो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट था वो ख़त्म हो चुका था तो गांधी भी जेल से छूट गए और गांधी को क्या चाहिए था कि आप ये जो सेपरेट इलेक्ट्रेचर्स को ख़त्म कर थे और गांधी की भी जो फास्टिंग थी वो टूट गई और ये जब अब जेल से छूटे इन्होंने नेशनल बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग की बात करी इन्होंने बोला कि अब मैं नेशन को अच्छे से डेवलप करूँगा अच्छे से बिल्ड करूँगा नेशनल बिल्डिंग की बात करते हुए इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी एंड रिमूवल ऑफ अनटचबल हरिजन समाज के लोगों ने बहुत काम किया और की अनटचेबिलिटी जो है ये जो भेदभाव है ये मैं इसको खत्म करूंगा और हिंदू मुस्लिम में भी जो डिवाइड हुआ उसको मैं फिर से यूनाइट करने की कोशिश करूंगा और इन चीज़ों में उन्होंने काफी हद तक और काफी टाइम तक इस चीज पे वर्क भी करा और बट अगर हम कंट्रोवर्शियल uh, वे से देखें तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे बी आर अम्बेडकर गांधी इनके व्यूज अलग अलग थे क्योंकि गांधी का मानना था कि जो ये डिफ्रेंस uh, है डिफरेंस एज इन ये जो शेड्यूल कास्ट और जो बाकी जनरल वगैरह में जो डिफरेंस है दिस इज़ बाय ड्यूटी ये ड्यूटी की वजह से डिफरेंस है बट बी आर अम्बेडकर जो कि खुद एक दलित थे इनका यह मानना था कि ड्यूटी सिर्फ एक कहने की बात है ये ड्यूटी की वजह से डिफ्रेंशिएट नहीं हो रखा है इसे ड्यूटी की तरीके से ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है फॉलो नहीं होता इसको बहुत ही डीपली और बहुत ही ब्रूटली एज ए सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है ये इनके डिफरेंस थे ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया बट अदरवाइज इन्होंने अनटचिबिलिटी uh, इनकी की सोच जो थी कि ये गलत है वो दोनों की सेम थी और अनटचबिलिटी इन्होंने रिमूवल की बात करी वहीं पे अब हम देखते हैं कि अब जेल से छूट चुके हैं तो अब कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के साथ हम आज का लेक्चर भी खत्म करेंगे कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या था जो सेम्योल होर थे थे वो वॉज अ कंजर्वेटिव सेक्रेटरी इन्होंने प्रपोज करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, थर्टी फाइव विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और थोड़े इसमें रोड लर्निंग भी होएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन आप ये पढ़ेंगे ये उस टाइम पे प्रपोज हुआ था यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देखते हैं और ये बहुत ही बड़ा एक्ट है ये इसलिए इतना बड़ा एक्ट है क्योंकि इस एक्ट में सबसे पहले जो हमारा आज का 1950 पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी ज़्यादा इससे इंस्पायर्ड इस और काफ़ी ज़्यादा इससे चीज़ें ली गई हैं और साथ ही साथ काफ़ी ऐसे कुछ आप स्केड्यूल्स देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि ये बहुत ही डिटेल रिपोर्ट थी इसमें अराउंड 135 थर्टी थे और 18 एट्स स्केड्यूल्स थे तो इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट इतना बड़ा एक्ट को काफ़ी ज़्यादा हमारे 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी लिया है और साथ ही साथ चौधरी रहमत अली जो थे इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान जो नाम आज हम देखते हैं जो पार्टीशन इंडिया में पाकिस्तान की डिमांड तो पहले ही रख दी थी बट तो नाम एज अ पाकिस्तान इन्होंने यहाँ पे लाया था पी फ्रॉम पंजाब ए

आज का हमारा लेक्चर यही ख़त्म होता है अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव क्या था इसके साइलेंट फीचर्स क्या थे इसके फीचर्स क्या थे साथ ही साथ ये एक्ट किस तरीके से काम किया इसका इम्पैक्ट क्या था डोमिनेंट स्टेटस मिला या साइमन कमीशन का इम्प्लीमेंट ज़्यादा रहा इस इन सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अगर आपको मेरे इस लेक्चर में या ऐसे पहले वाले लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ बताइए अपने कमेंट बॉक्स बॉक्स में आप प्लीज़ अपना क्वेरी शेयर करिए कि हम इसको एक बार फिर से देख सकें और अगर आपको रिविजन की ज़रूरत हो तो हम वो भी कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना हो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो डू लाइक इट डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel, and ring the bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.